पैदा करिए, अपने भीतर एक एक भरोसा उत्पन्न करिए, एक दृढ़ता उत्पन्न करिए। एक पत्र देखिए, एक पत्र में क्या लिखा, सारे सरोवर सारे कुंड सारे तीर्थ वहां पर आकर विराजमान हो जाते हैं, सारे तीर्थ सारे सरोवर सारे कुंड। माता सती प्रकट हुई, माता सती का प्रागट्य हुआ, सारे तीर्थ सारी नदियां सारे सरोवर सारे कुंड सारे देवता माता सती के यहाँ पर पहुंचे। पार्वती जी का जन्म हुआ, सारे देवता सारे तीर्थ सारे देवता सारे कुंड सब माता पार्वती, माता पार्वती जी के यहाँ पहुंचे। अब विचार करिए, मैनावती के दिल में, मैनावती के हृदय में, मैनावती के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया, मैनावती के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ। मैनावती ने विचार किया कि एक बात हमें बताओ, हिमालय राज से पूछा कि ये बताओ कि समझ में नहीं आया इन इन देवताओं को निमंत्रण किसने दिया। ये इतने सारे देव चल नहीं रहा है, इन देवताओं का निमंत्रण किसने दिया, कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि पार्वती जी के यहाँ, कौन ने इन देवताओं को बुलाया कि माता सती के यहाँ, इनको निमंत्रण किसने, इन सारे तीर्थों को बुलाया गया, ये सारे तीर्थ यहाँ आए तो इनको निमंत्रण किसने, ये सारी नदियों को सारी बावड़ियों को सारे सरोवर को सारे कुंड को इनको निमंत्रण किसने। कौन ने बुलाया, ये निमंत्रण दिया तो दिया किसने, कौन ने। शुमहा पुराण कहती है हिमालय राज ने कहा कि हो सकता है कि देवऋषि नारद ने इन सारे देवताओं को निमंत्रण दे दिया हो, देवऋषि नारद ने निमंत्रण दिया, देवऋषि नारद जी को बुलाया, देवऋषि नारद पधारे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन देवऋषि नारद पधारे और नारायण श्रीमन नारायण कौन ने कहा, तब तब देवऋषि नारद, हट 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 देवऋषि नारद, मैंने नहीं निमंत्रण दिया, देवऋषि नारद मैंने कोई निमंत्रण, मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया, मैंने कोई निमंत्रण दिया, आपको ब्रह्मदेव के पास में लेकर चलता हूं हिमालय। अब देखते नारद जी ब्रह्मदेव के पास लेकर जाए, उससे पहले ब्रह्मा जी स्वयं हिमालय भीतर कर स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा 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 जी जो पार्वती का स्वरूप देख रहे थे, ब्रह्मा जी माता पार्वती जी का स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, सारे देवता देखकर आश्चर्य कर रहे थे। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी को चरण छूकर थोड़ा सा हिलाया और हिलाकर पूछा कि ये तो बताओ कि इन सारे देवताओं को पार्वती जी के यहाँ भेजा किसने, ये सारे तीर्थ सारे सरोवर सारे कुंड पार्वती जी आए कैसे। ब्रह्मा जी का बहुत सुंदर ब्रह्मा जी का बहुत सुंदर ब्रह्मा जी का बहुत सुंदर ब्रह्मदेव का वो संवाद आप अपने अंदर उतार कर रखिए। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद से कहा, ब्रह्मा जी ने देवऋषि ब्रह्मा जी देवऋषि नारद नारद
दिया, कौन ने बुला लिया यहाँ पर, कौन? शंभू 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 शरण पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन ओ शंभू शरण। तब पार्वती जी का विवाह किया गया, माता सती का विवाह किया गया। बहुत सुंदर प्रसंग में अपने जीवन में उतारिएगा। बहुत वैभव देखकर, बहुत धन देखकर, बहुत संपदा देखकर बेटी का विवाह नहीं करना। महापुराण की कथा कहती है बेटी का विवाह ऐसी जगह करना जहां तुम्हारी बेटी का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, और तुम्हारी बेटी भले तो रोटी खाए पर घर में उसकी इज्जत हो और वो सुखी रहे। बेटी की इज्जत हो, सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, ऐसी जगह बेटी का विवाह ना करा जाए जहां बेटी दुखी रहे। धन देख लिया, बहुत सारा पंप देख लिया, बहुत सारा बंगला देख लिया, बहुत सारी गाड़ी देख ली, बहुत सारा वैभव देख लिया और मालूम पड़े बेटी के जीवन में दुख भारी पड़ जाए, क्या मतलब? प्रयास कर बेटी संस्कारवान को दी जाए, बेटी को संस्कारवान को प्रदान किया जाए, ये प्रयास किया। कोई ऐसा नशा करने वाला, जुआ खेलने वाला, कोई व्यसन में डूबने वाला ना हो जिसके साथ में बेटी का विवाह हो जाए और बेटी को जिंदगी भर रोना पड़े। पंडित ऐश्वर्य भार्गव जी से हम चर्चा कर रहे थे तो हम भारी के हाथ में पैसा मत देना, ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत देना जो तुम्हारे यहाँ से लेकर जाए शाम को मदिरा पान कर ले, मांसाहार कर ले, जुआ खेल ले, ऐसे के हाथ में धन न दीजिए। गाय गलत के हाथ में चली जाती है तो गौ माता रोते रोते बद्दुआ देती है, लक्ष्मी गलत के हाथ में चली जाती है तो रोते रोते बद्दुआ देती है, और बेटी जिसकी शादी हम कर रहे हैं किसी गलत के हाथ में अगर कन्यादान हो जाता है तो वो बेटी रोती है तो बाप को भी रोना पड़ता है। इसलिए तीन सोच समझ कर देने का प्रयास, तीन सोच समझ कर। और मेरा बेटियों से भी निवेदन, दुनिया के लोग कहते हैं कि बेटा अपने माँ बाप को पार उतार देता है, दुनिया के लोग कहते हैं बेटा अपने माँ बाप को पार उतार देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर की छह लड़कियां, पांच जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, और एक जम के बोले जरा अशोक सुंदर। लोग कहते हैं बेटा माँ बाप को पार उतार देता है, शिव महापुराण की कथा कहती है एक अशोक सुंदरी, एक अशोक सुंदरी जिसको शादी करने के लिए, जिसको विवाह करने के लिए ढेर सारे असुर भी आए, देवता भी आए, गंधर्व भी आए, अशोक सुंदरी से विवाह करने के लिए आए, एक अशोक सुंदर। अशोक अशोक सुंदरी ने मना कर दिया, अशोक सुंदरी ने कह दिया मैं, मेरे पिता और मेरी माता पार्वती जहां मेरा विवाह करना चाहेंगी मैं वहां पर विवाह करूंगी, मैं उनके विपरीत नहीं जा सकती, मैं उनके विपरीत में नहीं जाऊंगी, उनके विपरीत नहीं जाऊंगी। मेरा संपूर्ण विदिशा क्या, सारे भारत की बेटियों से निवेदन है। आया तो गाड़ी छूट गई तो क्या वो यमराज के सामने नाम बताओगे तो ना छूटोगे? और अंत समय प्रभु आना पड़े
वचन दिया तुम्हें आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा अंत समय प्रभु आना पड़ेगा वचन दिया और अंत समय प्रभु वचन दिया। जब एक नाम बोलने से गाड़ी छोड़ दी जाती है तो उस परमात्मा का नाम लेने से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जब राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम परमात्मा का नाम हम जब लेते हैं तो वो यमराज भी छोड़ देता, छोड़ना पड़ता है। मार्कंडे बाबा का चरित्र कथा है, मार्कंडे बाबा को केवल छोटी सी उम्र मिली थी और कह दिया उसके माता पिता ने शंकर जी को पकड़ ले, शिव जी को पकड़ा, आखिरी में शंकर का गुणगान कर रहे थे, नाम ले रहे थे और यमराज आ गया, छोड़ना पड़ा। नाम का असर बड़ा होता है। जैसे ही फोन लगाया, नाम दिया कि किसके किसकी गाड़ी, नाम सुना छोड़ दी गई। तो परमात्मा का नाम लोगे तो यम की कैद से भी छूट जाओ। बस नाम की मूलता को पहचान। इसलिए तो तुलसीदास बाबा ने अपने सुंदर वचनों में लिखा, तुलसीदास जी ने अपने वचनों में कहा, कलयुग केवल, जम के बोलो जरा, कलयुग केवल नाम धारा, नाम। उन्होंने कलयुग में यह नहीं कहा कि राम धारा कि कृष्ण धारा कि शिव धारा कि यह धारा, उन्होंने कहा कलयुग केवल नाम धारा। तुम्हारी मर्जी पड़े तो राम बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े दत्त बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कुल देवता का नाम लो, तुम्हारा जो मन पड़े वो नाम लो, पर कलयुग में नाम जरूर लो, क्योंकि कलयुग का सार तत्व केवल नाम से है, परमात्मा के भजन से। ले आओ जरूर नाम। अब आप और हम नाम का लेते का दे। एक पत्र है। आपकी अर्धांगनी माता पार्वती जी कह रही हैं, आपकी अर्धांगनी विवाह कर आई नंदी पर चढ़ाट छोड़कर, हिमालय राज का पूरा वैभव छोड़कर, हिमालय राज का पूरा ठाट छोड़कर, हिमालय राज के घर की पूरी पूंजी छोड़कर, हिमालय राज के घर का पूरा वैभव छोड़कर, ये बेटी हिमालय राज की आपके साथ में विवाह कर यहाँ आई, पर आपके यहाँ तो कोई ठाट है ही नहीं, आपके यहाँ तो कोई सुविधा है ही नहीं, आपके यहाँ तो यही शमशान पड़ा हुआ है, खुली जमीन पड़ी हुई है, बस जहाँ कैलाश पड़ा हुआ है पूरे कैलाश में जहाँ चाहो वहाँ रह लो, किसी कंदरा में प्रवेश कर जाओ, किसी गुफा में जाकर भोजन कर लो, कंदमूल फल मिल जाए तो पा लीजिए और आराम से अपना आनंद पाइए। पूछा मेरे भोलेनाथ ने, पार्वती क्या चाहती हो, तुम चाहती क्या? पार्वती जी ने कहा, प्रभु कोई सुविधा तो होना चाहिए ना। तुम सारे तीर्थ में जाओ, वहां पर बहुत सुविधा देखना, सारे तीर्थों में बहुत सुविधा देखना, एसी का रूम मिल जाए, अच्छा पलंग मिल जाए, अच्छी गादी मिल जाए, अच्छा कमरा मिल जाए, अच्छी व्यवस्था मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे से अच्छा सामान मिल जाए, हम जब मंदिर में दर्शन करने जाएं तो हमारा वीआईपी दर्शन हो जाए, हम जब पहुंचे तो मंदिरों में हमारा ये आनंदमय कोई आए और हमारा हाथ पकड़कर हमको दर्शन कराए। सब मंदिरों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारे तीर्थों में तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था हो सकती है, सारी सुविधा तुम्हें वहां मिल सकती है, पर कुबेरेश्वर धाम जब भी आना तो ये मत सोच कर आना कि यहाँ सारी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जहां सुविधा होती है वहीं दुविधा होती है, यहां सुविधा है जैसी वैसे प्राप्त हो जाती है। अधिक सुविधा में दुविधा होती है। यहां तो भोजन भी आपको बनाना है और खाना भी, अरे बोलो तो जमके, आपको ही है, कद्दू भी आपको ही काटना है,
और बनाना भी आपको ही है, रोटी भी आपको सेकना है और खाना भी आपको ही है, खिचड़ी भी आपको बनाना है, चावल बीनना भी आपको ही है, सब्जी काटना भी आपको ही है। और अंदर यही होता है, आप में से कई माताएं, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बेटे आते हैं, सेवा करते हैं और कद्दू काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कहीं रोटियां बना रहे हैं, कहीं कोई सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई मालूम पड़े नुक्ती तल रहा है, कोई मिक्सर तल रहा है। हमारी भोजनशाला में एक भी हलवाई नहीं है, हमारी भोजनशाला में केवल आप आते हो, भोजन बनाते हो और चले जाते। जितने हो आप आते हो, भोजन बनाते हो, चले जाते। आप में से कोई बाहर से आता है, वो कह देता है कि हम भोजन बनाना जानते हैं, उनको बिठा देते हैं कि तुम नुक्ती तल लो। आप में से कोई आके कहता है हम तलना जानते, तो उसको मिक्सर बनाने बिठा देते हैं।